हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैसेकर सूर्या। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम के बारे में। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो जो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का जो यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड के होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस दी वर्ड्स आई यू ही शी इट वी एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। दे टेक द प्लेस ऑफ नाउन एंड आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। तो जो आई यू ही सी इट वी और दे, ये सब जो वर्ड होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं और ये संज्ञा के इनके नाउन के ऐसे प्लेस पर आते हैं जहाँ पर ये सब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे माई नेम इज डेविड, आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। This is my father. He is a teacher. This is my mother. She is a lawyer. तो जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में my name is David. I am the youngest in the family. तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन कहाँ पर यूज़ किया गया है? I. नेक्स्ट है this is my father. He is a teacher. तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या है? He. This is my mother. She is a lawyer. इसमें personal pronoun क्या है? She. I have a brother and two sister. तो इसमें personal pronoun क्या है? I. They are Peter, Sharon and Jenny. इसमें personal pronoun क्या है? They. I have a dog. It is called Lucky. तो इसमें personal pronoun क्या है? I and it. Lucky, you are a good dog. तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या है? You. Good morning, children. You may sit down now. तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या है? You. My family and I live in a big city. We have an apartment. तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन कहाँ है? I and we. The words me, you, him, her, it, us and them are also personal pronouns. They also take the place of nouns. तो जो word है me, you, him, her, it, us and them, ये भी क्या है? Personal pronoun है, ये भी noun के place पर आते हैं. These pronouns are used as the object of the verb in a sentence. तो जो ये प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में. जैसे आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हेड, लुक एट मी. तो इसमें कहाँ पर यूज़ किया गया है? मी एंड में, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह इसे यूज़ किया गया है. माई मदर इज काइंड, एवरीबडी लाइक हर. Lisa, I told you to tidy your bed. You. Sharon and Jenny, Dad is waiting for you. Lucky and I are playing in the park. Dad is watching us. You must not play with the knife. Give it to me. Pick up your toys and put them away. तो इन सभी सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है इसमें ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किए गए हैं. जैसे कि और एग्जांपल देख लेते हैं. बेबी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, मदर बर्ड हैज़ टू फीड देम. टॉम लाइक्स राइडिंग माय बाइसिकल, आई सम टाइम लैंड इट टू हिम.
तो बेबी बर्ड वाले सेंटेंस में क्या यूज किया गया है ऑब्जेक्ट की तरह देम, एंड टॉम लाइक्स में इट एंड हिम. द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज द पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग डैट रिसीव द एक्शन शोन बाय द वर्ब. हियर इज अ टेबल टू हेल्प यू. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट आई और ऑब्जेक्ट क्या होगा आई का, मी. सेकंड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट यू एंड ऑब्जेक्ट भी यू. थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, ऑब्जेक्ट हिम, शी, ऑब्जेक्ट हर, इट, ऑब्जेक्ट इट. फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सब्जेक्ट वी एंड ऑब्जेक्ट अस. सेकंड पर्सन प्लूरल, सब्जेक्ट यू एंड ऑब्जेक्ट यू. थर्ड पर्सन प्लूरल, सब्जेक्ट दे एंड ऑब्जेक्ट देम. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, द वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. तो जो वर्ड होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स, इन सबको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. दे रेफर्स टू द पर्सन और एनिमल डैट इट इज इट डैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. तो ये कहाँ पर रेफर किए जाते हैं, मतलब कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ये पर्सन और एनिमल के लिए यूज़ किए जाते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के लिए. जैसे आई मेड हिज केक माई सेल्फ, तो माई सेल्फ हो गया इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. बी केयरफुल विद द नाइफ, यू विल कट योर सेल्फ. मिशेल इज लुकिंग एट हिमसेल्फ, सॉरी माइकल इज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर. सुजैन हैज हर्ट हर सेल्फ. Our cat washes itself after each meals. तो इसमें क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन itself. We organize the party all by ourselves. We organize the party all by ourselves. तो ourselves इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. Come in children and find yourselves a seat. तो इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन yourselves. Baby birds are too young to look after themselves. तो इसमें है themselves reflexive pronoun. Here is a table to remind you about reflexive pronoun. तो ये टेबल है ये याद कराने के लिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है. तो फर्स्ट पर्सन होता है सिंगुलर, आई मी माई सेल्फ, प्लूरल वी एस आवर सेल्फ. सेकेंड पर्सन यू योर सेल्फ, प्लूरल यू योर सेल्फ. थर्ड पर्सन ही हिम या हिम सेल्फ, दे देम या देम सेल्फ, प्लूरल सिंगुलर सी हर हर सेल्फ, प्लूरल दे देम देम सेल्फ, सिंगुलर it or itself, plural they them themselves. Interrogative pronouns, the words who, whom, whose, what and which are called interrogative pronouns. जो ऐसे शब्द आते हैं जिनमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. दीज प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. तो ये प्रोनाउन किस लिए यूज़ किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए किसी से. जैसे हु के लिए पूछेंगे हु इज ही टॉकिंग टू, हु इज ही टॉकिंग टू, हु आर दोज पीपल, हु आर दोज पीपल, वो
Whom are you playing with? Whom are you playing with? Whom is he talking to? Which of these bags is yours? Which of these bags is yours? Which do you prefer? Which do you prefer? Whose is this umbrella? Whose is this umbrella? Whose are these gloves? इनके ये umbrella किसका है और ये gloves किसके हैं? यहाँ पर whose का use किया गया है जो है interrogative pronoun. What is your dog's name? आपके कुत्ते का क्या नाम है? What are you talking about? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? What is the time? क्या समय हुआ है? Who can be used as the object of a verb as well as the subject? इनके who का प्रयोग हम subject और object दोनों तरीके से कर सकते हैं. Whom is used only as object. For example, you can say, Who are you playing with? या whom are you playing with? इनके whom का used only हम object के रूप में ही कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. द वर्ड्स दिस दीज डैट एंड दोज आर कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. दे आर शोविंग वर्ड्स. दोज आर गोट्स. वे क्या हैं? बकरियां हैं. तो दोज क्या है इसमें? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दीज आर शीप. ये क्या हैं? भेड़ हैं. तो इसमें दीज क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. डैट इज जॉन्स हाउस. डैट इज अ माउंटेन. दोज आर हॉर्सेस. व्हाट आर दोज? वी कैन डू बेटर देन डैट. नो दैट्स नॉट माइन. यू मीन यू वांट? दैट्स अमेजिंग. हेलो इज डैट स्पीकिंग प्लीज? हेलो इज डैट यू जॉर्ज? तो इसमें इन सभी सेंटेंस में डैट का यूज़ किया गया है और डैट क्या है? हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है. देख लेते हैं दिस के. दिस इज माई हाउस. दिस इसमें डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दिस इज अ हिल. तो इसमें भी दिस डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दीज आर डंकीज. तो दिस भी हमारा क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. व्हाट इज दिस? डिड यू ड्रॉप दिस? हाई जेन, दिस इज माइकल. तो इन सेंटेंसेस में भी दिस का यूज किया गया है जो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है. यू यूज दिस एंड दिस व्हेन यू पॉइंट टू थिंग नियर यू. तुम दिस और दिस का यूज कब कर सकते हो? जब तुम्हें लगे कि हाँ कोई वस्तु तुम्हारे पास है. यू यूज दैट एंड दोज व्हेन यू पॉइंट टू थिंग फार्थर अवे. तो हम डैट और दोस्त का यूज कब कर सकते हैं? जब कोई चीज हमसे दूर है. डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर दिस, प्लूरल दीज. सिंगुलर डैट, प्लूरल दोस्त.